मेरा नाम प्रेतन अजितेश हुआ। जो भी इस माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। आज बहुत ही शुभ घड़ी है कि मेरी दो फिल्मों का मुहूर्त हो रहा है, जिसमें पहली फिल्म का नाम है कृतन बाबू, दूसरी फिल्म का नाम है चेजिंग। और इसके डायरेक्टर आज कुछ डायरेक्टर तो नहीं आ पाए, बहुत ही कोरोना की वजह से, प्रोड्यूसर्स भी हमारे बीच नहीं आ पाए हैं कोरोना की वजह से। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि हम आएँ, और हमारे पास बॉलीवुड के फेमस कोरियोग्राफर भूपी सर आए हैं, और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर JP बाबा, हमारे राइटर साहब विंध्या जी हैं, और हमारी हीरोइन भी हैं हमारे पास में, और काफ़ी लोग भी आए हैं जो कि हमारी इंडस्ट्री से। तो इस फिल्म का कैरेक्टर जो मैं आपको कृतन बाबू के बारे में बता रहा हूँ, इस फिल्म का एक कैरेक्टर कुछ ऐसे है, चुलबुल पांडे कुछ जैसा है, कि ये एक इंस्पेक्टर की कहानी है जिसे एक ऐसी जगह पोस्टिंग दी गई, ऐसे गाँव में जहाँ की ना कोई थाना है ना कोई सब कुछ है, जहाँ का एक अपना लॉ और कानून है। इस बीच में इसकी पोस्टिंग होती है, और यह बहुत ही कॉमेडी फिल्म है। तो वो पोस्टिंग होने की वजह से वो वहाँ पहुँचता है, देखता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कोई थाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, अकेला ही इसकी पोस्टिंग हो गई। वहाँ पे लोगों के बीच में लोग बकरियों के FIR रिपोर्ट लिखा रहे हैं, ये इन मुर्गियों की रिपोर्ट लिखा रहे थे, ये सोचता है कि आखिर चल क्या रहा है। इसी बीच में इनकी मुलाकात हीरोइन से हो जाती है, जिनके बीच में प्यार होता है, फिर सडन से विलन की एंट्री होती है जो कि अपने पूरे माहौल को संभाल रहे हैं। तो इनसे फाइट है, लड़ाई है, स्ट्रगल है, बीच में रोमांस है, आपको इस फिल्म में सब कुछ देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें दूसरी फिल्म चेजिंग के बारे में, इसमें एक ऐसे एक्टर की कहानी है जो कि एक बचपन से ही स्ट्रगल करता है, जैसे कि उसकी उसको चाहिए होता है कि वो, उसे लोग बहुत तंग करते हैं बचपन से, तो पहलवान करके वो फिल्म देखता है, वो पहलवान बनने की कोशिश करता है, तो उस तरह से वो स्ट्रगल करता है। इस बीच में जितनी भी परेशानी उसको आती है, वो लड़ते लड़ते एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाता है कि जहां पर वो सारे लॉ सिस्टम को चेंज करना चाहता है, और लॉ सिस्टम को चेंज करते हुए सोसाइटी की सोसाइटी को देखता है, लोगों को समझता है, सारे लोग उनके सपोर्ट पे आते हैं। तो ये कैसी कहानी है, इस बीच में सेम इसमें भी रोमांस है, ड्रामा है, एक्शन है, और ऐसे दर्शकों के लिए सब कुछ फुली रोमांटिक फिल्म होगी ये। सर, कीर्तन बाबू की बात करें तो इस तरह की काफ़ी पिक्चरें आ चुकी हैं, तो आपकी पिक्चर उन पिक्चरों से किस तरह अलग होगी? सर, आपने देखिए, हर एक्टर के लिए एक चैलेंजिंग कोई भी रोल होता है, कोई भी फिल्म हो, मेरी पहली भी फिल्म आई, बहुत चैलेंजिंग रोल करना पड़ता है। इस फिल्म में कुछ देखने का आपको ये मिलने को आएगा कि आपने कभी ऐसी स्टोरी नहीं देखी होगी कि एक ऐसा थाना जिसकी ना ही कोई, जिसका कोई कुछ है ही नहीं, थाने के नाम पर कुछ भी नहीं, ना कोई थानेदार है, ना ही कोई कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा टेबल लगा कर वो बेचारा थानेदार बैठा है, और ऐसा कोई आप थाना देखे नहीं होंगे जहाँ FIR पे आप मुर्गियों की FIR रिपोर्ट होती है, लॉस्ट मुर्गी हो रही है, लॉस्ट बकरियों को खोजा जा रहा है। तो आप ये फिल्म देखेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि ये फिल्म बाकी फिल्म से बिल्कुल हट कर है। तो ये मान के चले कि ये हर एक जॉनर की फिल्म होगी, सिर्फ क्राइम के ऊपर नहीं होगा, कॉमेडी नहीं होगा, हर एक जॉनर की फिल्म होगी। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये हर जॉनर की फिल्म है, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूँ कि ये फिल्म में दर्शक बोर ना हो, क्योंकि सबसे अहम चीज़ जो हमारा होता है कि दर्शक बोर ना हो, दर्शक पसंद करे, वापस खींच कर एक बार फिल्म नहीं, दोबारा आए, तिबारा आए, ये मेरी कोशिश रहती है हर फिल्मों से। मैं डायरेक्टर से भी यही चाहता हूँ, राइटर से भी यही कहता हूँ कि दर्शक को आप जितना एंटरटेन करेंगे वो उतना हमें पसंद करेंगे, और इस तरह के हमें आगे आने का मौका भी मिलेगा। तो मैडम, आपका भी परिचय जानना चाहेंगे, और क्या फिल्म में भी ऐसे ही बोलते रहेंगे आप ये चुपचाप? सबसे पहले सबको नमस्ते, और मेरा नाम सोनाली सिंह है, मैं अयोध्या से हूँ, ये मेरी पहली फिल्म है, और मैंने बहुत स्ट्रगल किया, पर मुझे लगता है कि कृतन बाबू मिले कृतन बाबू नहीं, भोपी सर पहले मिले, उसके बाद कृतन बाबू मिले, और उसके पहले इनसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए सबसे पहले शुक्ला जी मिले, और बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलके, और ये भी लगा कि ये सपोर्टिव पर्सन है। तो बाकी स्टोरी तो बता ही दिया है कृतन ने। कृतन सर, ये जानना चाहेंगे कि हीरोइन तो अभी डेब्यू कर लिया नहीं है, लेकिन एक एक्टर के कंधे पे कितना बोझ होता है कि 2 घंटे तक 2.5 घंटे तक दर्शकों को रोकना? सर, अगर एक कहा जाए, एक फिल्म सिर्फ एक इंसान पे तो नहीं बनती है सर, बहुत चीज़ें भार, बहुत लोगों की मेहनत होती है, स्टार्टिंग से लेकर म्यूज़िक से लेकर कोरियोग्राफिक से लेकर हीरोइन से लेकर इसके कैरेक्टर से लेकर, और यहाँ तक कि आप फिल्म के बाद एडिटिंग को भी देख लें, सब कुछ को देख लें सर, फिल्म सिर्फ मेरे कंधों पे नहीं आती है, फिल्म सभी सबका एक अहम किरदार होता है, अगर सब अहम किरदार अच्छे से निभाएंगे ना तो फिल्म अच्छी बनती है। तो सर, अगर आप कहते हैं मेरे पे हाथ कंधे पे, तो ये गलत बात है, सबसे फिल्म बनती है, मेरे से फिल्म नहीं बनती है। फिल्म कहाँ कहाँ फिल्माया जाएगा, कहाँ कहाँ इसकी शूटिंग होगी?
सर हमारा कोशिश ये है कि हम कोशिश ये करें, क्योंकि जो जिस भोजपुरी फिल्म है तो जहाँ पर इसका गढ़ है, जो कि जैसे कि बिहार हो गई, यूपी हो गई, तो बिहार में सबसे पहले फिल्म होगी शूट। बिहार के बाद अच्छा नालंदा यूनिवर्सिटी को आप जानते होंगे, वहाँ पर भी हमारा शूट होगा। उसके बाद यूपी में भी कुछ जगह सीन्स फिल्माए जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि इस साल के अंत और दोनों फिल्में आपको अगले साल के अंत तक आ जाएंगी ये फ्लोर। मैडम आप इतना सीरियस क्यों हो गई हैं? क्या किरदार भी ऐसा है? नहीं, किरदार ऐसा नहीं है। मैं लोगों को सुन रही हूँ, देख रही हूँ क्या लोग बोल रहे हैं। भोजपुरी फिल्म की जब बात चलती है तो उसमें तड़क भड़क बहुत होता है और आइटम सॉन्ग होते हैं। आपके साथ कुछ बात की गई है कि आप उस तरह कोई सॉन्ग करने वाली? सॉन्ग्स के बारे में तो फिलहाल अभी ऐसा नहीं पता है। आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। कितनी तैयारी कर रही हैं आपकी? तैयारी ऐसे लीड अप कर रही हैं, इसमें तो जवाबदारी भी बहुत है, चैलेंज भी बहुत है, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग एस्टेब्लिश है इस मार्केट में। तो आप लोगों का जैसा नाम आया तो लोगों ने कहा मेरे अपने में तुम्हारा क्या काम है? कितना चैलेंज है और कितना तैयार है आप इस बात को? तैयार तो अब इस लाइन में आए हैं तो जो भी होगा मुझसे मतलब मैं पूरा ट्राई करूंगी कि हो जाए, जितना होगा उतना करेंगे। अच्छा, इतना कम बोलती है आपके? नहीं, मैं बहुत कि ज्यादा नहीं बोलना है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला, मैं बहुत बोलती हूँ। सर बात चेसिंग की करें, जो आपकी फिल्म है, जिस तरह पोस्टर दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि इसमें डिसुम और मारधाड़ काफी हुई, क्या कुछ एक्शन पे ही ये डिपेंड हुई पिक्चर है? तो मैंने आपको अभी जस्ट ही बताया था इस फिल्म के बारे में कि एक बंदे की कहानी की स्ट्रगल करते हैं, हर कोई अपना अपना किरदार, हर कोई आप है मैं हूँ, हर कोई स्ट्रगल करके यहाँ आता है। तो इस बंदे की कहानी अगर आप देखेंगे तो हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशनल फिल्म बनेगी, क्योंकि एक बंदा बहुत ही डरपोक होता है, इसकी एक ड्रीम होती है, चेस करना होता है कि बड़ा आदमी बने, अच्छा अच्छा काम करे, सोसाइटी को कुछ दे। तो इस तरीके की ये फिल्म है और इसमें ऑब्वियसली आप जैसा कह रहे हैं, दिखकर ही पोस्टर से लग रहा है इसमें बहुत ही मारदार एक्शन है, ड्रामा है। इसमें थोड़ी बस एक चीज़ आपको कमी नज़र आएगी, वो है कॉमेडी की, लेकिन हम उसमें भी कोशिश करें कि इसमें कॉमेडी भी ज़रूर है, क्योंकि हमें एंटरटेन भी करना है लोगों को। तो ये रियल किसी स्टोरी से आधारित है या कैसे है क्या? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये रियल स्टोरी से है। ये एक्चुअली ददल पहलवान के साथ में कुछ कुश्ती के कुछ लोग थे जिन पे रिसर्च की जा रही है ये ट्रू फिल्म। ये एक्चुअली ट्रू फिल्म बेस पे ये फिल्म है जो आप चेजिंग पीछे मेरे पोस्टर देख रहे हैं। तो उन पे उन सब पे रिसर्च करके ये फिल्म की स्टोरी बनी है और इस पे ये फिल्म आ रही है। चलिए सर, थैंक यू सर।